हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरी गले की आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ चुकी है क्योंकि मैं बाहर गई थी, अपना गांव गई थी और वहाँ पे कोई दवा वगैरह लेके नहीं गई थी, और वहाँ मैं जो होम रेमेडी यूज़ भी करती हूँ वो भी लेके नहीं गई थी। वो सारे सामान भी नहीं थे मेरे साथ कि मैं अपना गले का इलाज कर सकूँ। घर आ चुकी हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ का कुछ वहाँ पे कैसे पूजा होता है इस का भी कुछ क्लिप मैंने रेडी कर लिया है, मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। बट आज मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ दोस्तों। आज कुछ और टॉपिक है, जो आपने देखा है कि हादसा हुआ है अमृतसर में। दोस्तों, ये जो हादसा हुआ रेलवे का, बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ है। शायद आप सबको पता होगा कि दशहरा में रावण दहन करते वक्त 8 लोगों का वहीं पे मौत हो गई है। वो ट्रेन से कुचले जाने से 60 लोगों का ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, 60 लोग मारे गए हैं। तो मुझे लगा अचानक से ये ट्रेन से 60 लोगों का क्या कनेक्शन है। मैंने बस एक हेडलाइन पढ़ी थी, ये मैं अपने गांव पे थी, वहाँ पे नेट का उतना अच्छा बंदोबस्त नहीं था। तो मैं घर आई, मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि मैंने पूरी खबर देखी, मैंने पूरी न्यूज़ देखी और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिली। देखिए, वहाँ आप लोग बोल सकते हो कि क्या तुम्हारे गांव पे टीवी भी नहीं है? ज़रूर है, बट वहाँ पे सब लोग पूजा में इतने ज़्यादा बिजी थे। अपने घर में पूजा होता है तो इतने ज़्यादा हम लोग बिजी थे कि हम लोगों के पास टीवी देखने का भी टाइम नहीं था। तो इसीलिए पूरी दुनिया, मतलब कहाँ क्या हो रहा है हमको नहीं पता था। मैं आई यहाँ पे, उसके बाद मुझे पता चला कि क्या हुआ है। मुझे समझ में तभी भी नहीं आ रहा था कि रावण दहन के साथ रेल ट्रेन में कैसे, मतलब कोई रावण दहन देखने गया है वहाँ पे, वो कोई ट्रेन में उस वहाँ पे कोई कैसे उसको कुचल सकता है। मेरे दिमाग में मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद जब पूरी न्यूज़ पढ़ी मैंने, तो मैंने देखा कि यार रेलवे ट्रैक पे वो लोग खड़े हो गए थे। ये कोई बात है? आपको कुछ देखना है तो आप सीधा मौत के मुंह में जाकर खड़े हो जाओगे और बोलोगे कि यार यमराज आप मुझे मत ले जाओ, अगर ले जाओगे तो आपकी गलती। ये क्या बात हुई यार? मैं प्रे करती हूँ उन लोगों की आत्मा को शांति मिले, बट आप जितने भी लोग अभी भी उस हादसे के शिकार होने से बच गए, या ऐसा कुछ सोच रखने वाले कि हाँ हम कभी दोबारा वहाँ पर जाएंगे, या किसी भी जगह के रेलवे ट्रैक पे या ऐसी ख़तरनाक जगह पे जाएंगे ऐसा सोच रखते हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, जान है तो जहान है, ठीक है? दूसरी बात याद रखना, एक बात याद रखना, जान है तो जहान है। दूसरी बात याद रखना, आजकल कोई अपने बेटों पे भरोसा नहीं कर पाता। ऐसे रिश्ते हो चुके हैं, रिश्तों में इतनी खटास आ चुकी है, अपना माँ बाप अपना नहीं रहता, अपना बच्चा अपना नहीं रहता, पति पत्नी में रिश्तों में खटास, वो लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। तो आप कैसे अंधे की तरह या तो सरकार पे, या तो रेलवे पे, या फिर कोई किसी ट्रेन के जो ड्राइवर है उन पे कैसे भरोसा कर लेते कि वो लोग आपको ट्रेन से नहीं कुचलेंगे? ये कैसी बात रही? किसने उस प्रोग्राम का संचालन किया उस पे? ये दूसरों पे भरोसा क्या क्यों करना है इन सब बातों पे यार? आप लोगों की जान चली गई ना। आप कहोगे कि इतने साल से तो हम लोग यही करते थे, वहीं पे जाकर खड़े हो जाते थे। तो यार हादसा बार बार नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन ये हादसे होते हैं, ये रेगुलर रूटीन की चीज़ें नहीं होती है कि हर बार हो जाए, अचानक से हो गई। और वो भी क्यों? तब हुई ना जब जब रावण दहन स्टार्ट हुआ, उधर पटाखों की शोर, सबका एक्साइटमेंट से सब चिल्ला रहे थे, उस शोर की वजह से किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और सुनाई नहीं देने की वजह से ये हादसा हुआ है। इन लोगों को भी ध्यान नहीं गया कि पीछे ट्रेन आ रही है पीछे से, और जो ट्रेन में दो ट्रेन के चालक थे उनको भी उस मतलब अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर दिखाई भी देता है, अगर आप कहोगे कि हाँ ये ट्रेन की चालक जिसने देखा था उसी ने ऐसा किया है, उसी ने मतलब अपने मन से चला दिया इन लोगों पर, अगर आप इल्ज़ाम लगा भी देते हो तो क्या फ़ायदा?
क्या वो लोग जिंदा हो जाएंगे? क्या इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे घर बर्बाद हो गए रावण दहन के साथ, क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? दूसरों पे इल्ज़ाम देने से कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ कीजिए कि ये मतलब ऐसा कोई वक्त आए ही ना। हाँ, भरोसा तो कुछ चीज़ों पर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप जी नहीं पाओगे। जैसे कि आपको रेस्टोरेंट में जाना, आपको ये भरोसा करना ही होगा कि वो आदमी जहर नहीं मिलाएगा। आप अपना शेविंग कराने जाओगे तो आपको भरोसा करना होगा कि वो आपको खुर नहीं चलाएगा गले पे। तो ये सारी चीज़ें अलग होती है, लेकिन जहाँ पे रेलवे ट्रैक हो गया या फिर ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे, जैसे आजकल लोग सेल्फी लेने के लिए जो रेल पे के ऊपर या चलती हुई बस के ऊपर उठ जा रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ पर जाकर किसी बहते हुए पानी में बहुत सारा मतलब बहुत सारे खतरनाक जगह के जा रहे हैं और वहाँ पर सेल्फी ले लेने के लिए बस एक सेल्फी, एक वीडियो, मतलब क्या मिल जाएगा आपको? आपको अगर लगता है कि आप एक सेल्फी से, एक वीडियो से या फिर एक मनोरंजन करने वाली, मतलब ये मनोरंजन ही है रावण दहन, कोई इससे तो किसी को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं था। प्रदूषण होता है, लोगों का नुकसान होता है, इतना सारे पटाखे जलते हैं, लेकिन फिर भी जो भी है ये एक तरीके का मनोरंजन ही है रावण दहन, और कुछ नहीं है। तो आप जब उसको देखने जा रहे हो तो बस मनोरंजन की तरह ही रखो, उस पर आप इतना भी ज़्यादा फोकस मत करो कि आपकी ज़िंदगी चली जाए, आपका घर बर्बाद हो जाए, आपके अपने आप से छूट जाए। आप अपनी ज़िम्मेदारी, अपने घर की ज़िम्मेदारी अगर आपके अंदर होती तो आप कभी वहाँ पर नहीं चले जाते, और अगर थी तो आप इतने लापरवाह कैसे थे कि ट्रेन कभी भी आ सकती है, कभी भी कुचल सकती है। उससे पहले भी एक ट्रेन आ चुकी थी, तो अगर ये दोबारा आएगा क्या आपको सुनाई देगा? ये सब सोचना चाहिए आपको। अगर दूसरी बार आप ये गलती कभी ना करें, आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको समझाइए कि ऐसी गलती वो ना करें। जो भी लोग मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी ज़िंदगी आपकी सबसे बड़ी अमानत है। आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आपके अपनों की ज़िंदगी भी सही रहेगी। तो अपनी ज़िंदगी और अपने अपनों की ज़िंदगी बचाने के लिए थोड़ा सावधान हो जाइए, थोड़ा सेफ़ रहिए, और उसके बाद एंजॉय कीजिए, तभी आप लोग भी खुश रहेंगे, अपने अपनों को भी खुश रखेंगे और दुनिया भर में खुशियाँ फैलाएँगे। जय हिंद, खुश रहिए और खुश रखिए। बी सेफ, बी हेल्दी।